अच्छा दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैं अलग अलग कंटेंट्स पे वीडियो डालता रहता हूँ। इस बार का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईपीओ जिसका धमाका के नाम से मैं जानता हूँ। आईपीओ में एक ऐसा धमाका हुआ है जो कि एक दिवाली धमाके से कम नहीं है। आप इसको हल्के में ना लें और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, आईपीओ तो आप सबको पता है कि आईपीओ इशू होते हैं और नई नई कंपनीज अपना अपना मार्केट स्टॉक मार्केट में डेब्यू करती हैं। आईपीओ जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं। इस पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स जो आपके जैसे और मेरे जैसे लोग हैं, इनका भी इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप मतलब ये कई बार ताजुब होता है कि जो आईपीओ आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हैं, राइट? क्योंकि लोगों का प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने तो बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई किया, बट मैं इतना लकी सबकी तरह नहीं हूं कि मुझे लॉट मिले, और लॉट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अभी हमारी डेफिनेटली लेटेस्ट आईपीओ था, वो सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो इतने बड़े बड़े आईपीओ आए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया, एलआईसी आया, ये सारे आए, लेकिन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स हमारी इंजीनियर्स को मिला और वो सुपर सब्सक्राइब हुआ। और मेरे जैसे लोगों को खैर उसमें कोई चांस नहीं मिला, बट अगर चांस मिलता है तो ये बहुत किस्मत वालों की बात है। तो ये जो आईपीओज हैं ये ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस साल में आप देखोगे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने भी आईपीओ में एंट्री ली है, राइट? और ये एक अच्छी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो जो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आईपीओ के थ्रू, बिकॉज वो उनको लगता है इससे हायर रिटर्न मिलेगा और कंपनीज के साथ वो जल्दी से एंगेज हो जाएंगे। ग्रोथ स्टेज पे एंगेजमेंट का पॉसिबिलिटी होती है, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी कीन टू यू नो प्रोबेबली अप्लाई इन एन आईपीओ एंड गेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ लॉट। सो ये है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये मल्टीपल एडवाइजर्स ने इस पे थोड़ा सा कॉशन भी दिया है कि थोड़ा सा कॉशन होने की बात है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं और वो मतलब इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, कंपनी के बारे में पढ़ें, कंपनी के बारे में सोचें और उसके बारे में आगे में देखें। दिवाली से जो है ना नया संवत भी शुरू होता है, संवत 2081 इस दिवाली से शुरू हो रहा है। तो 2080 जो है एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उस ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से ये संवत होता है और ये टिपिकली जो है दिवाली के दिन शुरू होता है। तो अगर आप 2080 में देखें तो आप देखेंगे कि करीब 336 कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया है संवत 2080 में, जिसमें से 74% या कह लीजिए 278% SME कंपनीज थी। देखिए कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। और करीब 100 ऐसी कंपनियां थी जिनका जो लिस्टिंग हुआ उस लिस्टिंग में ही आपको 50% का रिटर्न मिला, राइट? और 163 आईपीओ ऐसे हैं जो अभी भी अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और आईपीओ में सबका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मेरे एक दूसरे वीडियो में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का भी इंटरेस्ट जो है आईपीओ में, इसमें स्टार्टअप्स में और एसएमई में बढ़ता जा रहा है। संवत 2081 इस दिवाली से शुरू हो रहा है। तो 2080 जो है एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उस ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से ये संवत होता है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये जो रिटेल पार्टिसिपेशन में जो सर्च बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी सारे कंपनीज को फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर करने का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, जिससे कि वो फंड रेजिंग को कर सकें और लिवरेज कर सकें अब फेवरेबल कंडीशंस को। तो ये एक इन्वेस्टर इंटरेस्ट में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, जिससे कि वो फंड रेजिंग को कर सकें और लिवरेज कर सकें। इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस पे क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक तो ये इजीली वो कर सकते हैं और ये अर्ली स्टेज कंपनीज के अर्ली स्टेज में एंटर कर रहे हैं। अगर वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनको लॉट्स अलॉटेड होते हैं तो उनको एक अर्ली स्टेज पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनीज में एंटर करने को, और जैसे जैसे उसका ग्रोथ होगा उनके ग्रोथ ऑफ उनकी रिटर्न भी जो है उसमें उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट सेबी ने तो कॉशन भी किया है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स मानने वाले कहाँ हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस पे क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या है कि वो मैंने पिछले 8 साल में आईपीओ के बारे में स्टडी किया है। तो मैं आपको एक छोटी सी चार चीज़ें बताना चाहता हूँ कि 2017 में नंबर ऑफ आईपीओ जो हैं जितने थे और आज के डेट में जितने हैं वो डबल से ज़्यादा अब आईपीओ हो गए हैं, जबकि अभी 2024 खत्म नहीं हुआ है, राइट? और जो वैल्यू ऑफ आईपीओ है उसका भी अमाउंट जो है दुगने से ज़्यादा है। सो पहली चीज़ क्या बताया मैंने कि 2017 से अगर आप कंपेयर करें तो नंबर ऑफ आईपीओ 2024 में डबल हो गए हैं और उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जबकि अभी साल खत्म नहीं हुआ है।
2018 से अगर आप कंपेयर करें तो जो आईपीओ रेज हुए हैं वो लगभग 3 गुना हुए हैं, राइट। और अगर आप 2020 से कंपेयर करें और वैल्यू और आईपीओ दोनों कम से कम 5 गुना बढ़े हैं, पर 2020 से कंपैरिजन थोड़ा सा गलत माना जाएगा क्योंकि उस समय कोविड शुरू हो गया था, कोविड की वजह से काफी सारी सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो गई थी। और अगर आप 2023 से देखें जो कि पिछला साल है, उससे भी वॉल्यूम करीब ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो आईपीओ में आईपीओ कितने बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वैल्यूज कितनी बढ़ती जा रही है, उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ती जा रही है, ये मैंने मुझे लगा कि मुझे आपसे खुलासा करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धमाका है। तो आईपीओ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आईपीओ के बारे में जरूर स्टडी करना चाहिए और जहां अपॉर्चुनिटी लगे उसमें जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है काफी बड़े आईपीओ आ रहे हैं, आप उनके बारे में स्टडी करिए और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको थोड़े फिगर्स भी बता देता हूँ जिससे कि आपको जानकारी रहे। 2017 में करीब 36 आईपीओ लॉन्च हुए थे और उनकी टोटल वैल्यू जो थी करीब 6,7147 करोड़ थी, राइट। 2018 में 24 आईपीओ लॉन्च हुए थे और उनकी वैल्यू जो है 34,34059 करोड़ थी, राइट। एंड 2019 देर वे अबाउट 16 आईपीओ लॉन्च विच वॉज 12,362 करोड़, राइट। एंड 2020 वॉज 15 आईपीओ विच वॉज लॉन्च, दिस वॉज 26,613 करोड़। आई थिंक दिस वॉज द कोविड इफेक्ट जिसकी वजह से ये कम था। 2021 में इट वॉज 63 एंड द वैल्यू ऑफ द आईपीओ वॉज 11,18723 करोड़, राइट, अ बिग बिग नंबर। 2022 अगेन इट वॉज अ लिटिल डाउन, देर 40 आईपीओ एंड द वैल्यू वॉज 59,302 करोड़, राइट। 2023 इट वॉज 57 एंड 57 द वैल्यू ऑफ द 57 आईपीओ वॉज अबाउट 49,436 करोड़। एंड यू वॉन्ट बिलीव इन 2024 इवन द ईयर हैज नॉट एंडेड, आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं और उसका वैल्यू 103,000 करोड़ हो गया है। अभी 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 काफी सारे बहुत ही बड़े बड़े आईपीओ इस साल में आने वाले हैं तो इसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। सो यू कैन सी द क्लियर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आईपीओ एंड द वैल्यूएशन द वैल्यू ऑन विच दे आर रेजिंग द फंड्स द फंड रेजिंग वैल्यू। इसलिए आईपीओ के बारे में आपको नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, उसके बारे में भी आप जरूर स्टडी करिए और जहां आपको ठीक लगता है उस पर जरूर करिए, ठीक है। तो ये मेरा संदेश था। आई एम श्योर आपको आईपीओ के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, सॉरी। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी फीडबैक ऑलवेज वेलकम है। नमस्कार।